जिले में आई बाढ़ ने अब तक कईयों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। जगह जगह बाढ़ के पानी में डूबकर लोगों की जान जा रही है। अब आप अहमदाबाद प्रखंड में घटी इस दर्दनाक घटना को ही ले लीजिए। अहमदाबाद प्रखंड की करीमुल्लापुर पंचायत के मेघू टोला गाँव निवासी 38 वर्षीय डालू सिंह के घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। डालू सिंह अपने घर को छोड़कर पूरे परिवार के साथ ऊंचे स्थान की तलाश में जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज अहले सुबह डालू सिंह अपना सामान लाने के लिए पानी में तैर कर अपने घर गया और जब सामान लेकर वापस लौट रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। काफी खोजबीन के बाद डालू सिंह को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डालू सिंह की जान जा चुकी थी। इस घटना की सूचना अहमदाबाद पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही अहमदाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैसे इस घटना की सूचना परिजनों को मिली, परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। कौन सामान ले तो वही डूब गए रहन। कौन गांव में? मेघू टोला। जलेबी टोला काली स्थान तार। कै बजे घटना हुआ? कै बजे घटना हुआ? रात के 2 बजे के लगभग। कौन चीज से गेल रहा? क्या चीज से? घर गेल रहा। क्या चीज से गेल? ये लेके गेल रहा। घर के अंदर सामान निकाल रहे थे? घर गोटे पानी में हो गेल। घर के अंदर घुस गए थे? फिर क्या हुआ? आप थे साथ में क्या? कोई था उनके साथ? कोई नहीं था। अकेले गए थे? हाँ, हम लोग सो रहे थे बांध पर प्लास्टिक में। क्या नाम था उनका? कौन थे आपका? मेरा हस्बैंड थे। क्या नाम था उनका? दालू सिंह। आपका क्या नाम है? सनीचरी देवी। डालू सिंह अपने पीछे पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़ गया है। अब पूरे परिवार के सामने भूखों मरने जैसी स्थिति आ गई है। परिजनों का कहना है कि अब उनका कोई सहारा नहीं है। जो हम लोग को बाढ़ पीड़ित वहाँ आके घर में पानी घुस गया। घर में पानी घुसने के बाद अब ऊंचा स्थान में जाने के लिए घर में गया सामान लाने। सामान ला के लेके आ रहा था, लात पिछल हुआ, गहरा पानी में जाकर डूब के मर गया। मरने के बाद हल्ला हुआ तो हम लोग 1 घंटा के बाद खोजने गए तो लाश लगभग 5 फीट पानी में मिला। तो मिलने के बाद अब तो वही हम लोग लेकर लाश अहमदाबाद थाना आए। फोन फान किए, प्रमुख का किए, मुखिया का किए, सरपंच का किए। क्या नाम है उनका? हमारा नाम किशन सिंह। उसका क्या नाम है? उसका नाम दालू सिंह। कौन है आपका? हमारा भगना है। भगना है? भगना है। कौन गांव का घटना है? मेहू टोला, जलेबी मेहू टोला। कै बजे की घटना है? ये लगभग 4 बजे। 4 बजे? हाँ, 4 बजे घटना हुआ। हम लोग लगभग वही 5 बजे से खोजना चालू किए। वहीं इस घटना को लेकर उप प्रमुख प्रतिनिधि माथुर मंडल और सरपंच लखन मंडल ने केबीसी संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज को बताया कि 2 दिन पूर्व स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण किया गया था, लेकिन अभी तक ना तो सरकारी नाव की व्यवस्था की गई और ना ही सूखा राशन की, जिसके कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सभी सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज सुबह सुबह फोन आया था कि कोई डूब के देख कर गया, उसका नाम है डालू सिंह, पिता है उसका श्रीकांत सिंह। तो वहाँ से जैसे सूचना मिला कि वो लोग क्या किया, जिस घर में पानी होने के कारण वो लोग क्या है तो ऊंचा स्थान जलेबी टोला वहाँ रोड में सब जाके बसा है। तो उसका पत्नी बोला है कि जब कुछ सामान है लेके आ जाओ, तो घर में सामान लेने के लिए आए थे और वो सामान जैसे निकला उसका पैर फिसला, गहरे पानी में जाने के कारण उसका मृत्यु हो गया। तो ग्रामीणों का सहयोग से उसको निकाला गया सबको। और हम जैसे सूचना मिला थाना अध्यक्ष महोदय को और सीओ साहिबा को हम सूचना दिए कि हमारे क्षेत्र का हम भ्रमण भी किए, पूरा क्षेत्र बाढ़ का पानी से कहर मचा रहा है। किंतु प्रशासन अभी जो जलेबी टोला मोड़ में या जो भी है ऊंचा स्थान में बैठा है, उन लोग का अभी तक उन लोग का मुआवजा देने का काम नहीं किया प्रशासन। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है। पंचायत में 2 ही नाव दिया गया है, अगर ज़्यादा नाव रहती तो ये घटना नहीं होती। ये तो प्रशासन का लापरवाही है। सीओ साहिबा कितना बार बोले हैं किंतु इसके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि पंचायत में हर पंचायत जहाँ जहाँ निचला इलाका है वहाँ नाव देने का काम करेंगे,
क्योंकि अभी तक मुआवजा नहीं करा, नाव नहीं दिलाया वहाँ पे। तो हम प्रशासन को भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ नाव का जरूरी है, अभी भी समय है, बाढ़ का समय अभी भी नहीं गया, सितंबर अक्टूबर तक यहाँ बाढ़ आती है अहमदाबाद में। तो अभी उन लोग को नाव का व्यवस्था किया जाए तुरंत। और जो पीड़ित परिवार है जिले बिटलामोर में अभी भी रोड में बसे हैं, वहाँ अभी तक पुलोथिन व्यवस्था नहीं किया है, ये लापरवाही है। ये लोग पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं, तो पानी घटने का, ये अभी पानी घटेगा नहीं, ऐसे पानी बढ़ते रहेगा। क्या हुआ है? अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत दक्षिणी कर्मलापुर पंचायत में जिले बिटोला वार्ड नंबर 11 में सबसे पहले गंगा नदी का पानी वहाँ पर अधिकतर हो जाता है। वहाँ का लोगों, 11 नंबर वार्ड का लोगों, जिले बिटोला में जो बसा हुआ है वो ऊंचा स्तर पर अपना तंबू खटा करके रह रहे हैं। तो उसी क्रम में सुबह 4 बजे सीताराम का लड़का श्रीकांत का बेटा डालू सिंह सुबह अपना घर गया सामान लाने के लिए। सामान लाने का क्रम में वो गहरा पानी में चला गया और डूब कर मर गया। सुबह सूचना मिला, सूचना मिलने के बाद तो भोटा को अहमदाबाद थाना में लेके आए और ये नाव का कमी से ऐसा ऐसा हो गया है। सबसे पहले दक्षिणी कर्मलापुर पंचायत में पानी घेर लिया है, कहीं ऐसा सूखा जगह है नहीं। और प्रशासन भी अभी ध्यान नहीं दिया है, ना नाव दिया है। आपका परिचय? दक्षिणी कर्मलापुर का सरपंच साहब, नाम लखन मंडल।